हाय गाइस, मेरा नाम ध्रुव है और अभी मेरे साथ है दी ऑल न्यू होंडा शाइन 100 CC। तो इस बाइक के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, ड्राइव इंप्रेशन दूंगा, चला के देखेंगे आसपास कि कैसे ओवरऑल मेरा फीडबैक है इस बाइक के बारे में। तो यहाँ पे होंडा कहता है इसमें आपको नए इंजन से लेके नए चासी से लेके आपको बेस्ट इन सेगमेंट फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। तो क्या कुछ है, फीचर्स क्या क्या है, वो सारा डिटेल में जानेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन भी दूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी चाबी से। तो यहाँ पे कुछ आपको होंडा का लोगो और होंडा लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, और एकदम सिंपल लुकिंग की मिल जाती है। अब आते हैं बाइक पे वापस, पूरे इसके डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूँ जो इसका डिज़ाइन जो इंस्पायर्ड है वो 125 CC से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन एक चीज़ है कि बाइक में कहीं भी 100 CC नहीं लिखा है, सिर्फ वहाँ पर होंडा और यहाँ पर शाइन की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, समझ रहे हो। अब अगर मैं इसके चासी एंड ओवरऑल क्या फीचर्स मिलता है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे स्पेशली डेवलप्ड एसी के लिए इसकी चासी यहाँ पे जो डायमंड फ्रेम चासी इंट्रोड्यूस की है वो एक चीज़ अच्छी हो गई। देन फ्रंट से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हैलोजन हेडलाइट है, टर्न इंडिकेटर्स भी आपको इसमें हैलोजन में मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ भाई, इसकी क्वालिटी काफ़ी सही है, ऐसा नहीं है कि ये लूज़ पड़ जाएंगे या ढीले पड़ जाएंगे, लटके रहेंगे, ये क्वालिटी लिटरली फील हो रही है, समझ रहे हो आप। व्हील्स जो हैं बाइक में वो फ्रंट एंड रेयर बिल्कुल सेम साइज़ के हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डायमेंशंस भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। देन उसके बाद इसके जो व्हील्स हैं वो अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, बट एक चीज़ है जो यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है इस बाइक में, वो ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया है, डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे नहीं मिलता, बिकॉज जो प्राइसिंग है वो मोर ऑन द अफोर्डेबल साइड कंपनी को यहाँ रखनी थी। तो ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं फ्रंट एंड रेयर में, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल जाएगा। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूँ, 9 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ग्राफिक्स जो मिल जाते हैं आप देख सकते हो, जो डिकैल्स यहाँ पे होंडा का लोगो, शाइन की ब्रांडिंग यहाँ पे आ जाती है। अब इंजन की बात करते हैं, तो खास बात यह है इसी के लिए नया इंजन है यहाँ पे 100 CC का, BS6 फेज 2 कंप्लायंट इंजन है, यानी कि E20 20% एथेनॉल पे भी बाइक रन होगी, तो ये एक चीज़ काफ़ी सही है। पावर की अगर मैं बात करूँ, 7.61 PS की पावर जनरेट करता है एंड 8.5 Nm ऑफ टॉर्क ही प्रोड्यूस करके देगा। यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाता है, सिंगल हॉर्न है, ड्यूल हॉर्न एज सच आपको इसमें नहीं मिलता। ऑल्सो जो माइलेज है वो आपको बेस्ट इन सेगमेंट मिलता है, होंडा यहाँ पे कहता है। जो भी फिगर्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, अभी तक ऑफिशियल फिगर्स नहीं आए हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्रॉपर आपका यहाँ पे किक आपको मिल जाता है, आपका राइडर के लिए फुटपैक आपका आ जाता है। देन ये कुछ यहाँ पे आपको मेटल में मिल जाता है इसका ब्रेकिंग। ये साइलेंसर की अगर मैं बात करूँ तो हीट शील्ड आपको इसके ऊपर दी है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे ट्विन शॉक अब्जॉर्बर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पीछे के अगर लुक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टेल लाइट हैलोजन, टर्न इंडिकेटर्स अगेन वो हैलोजन, और इनकी भी क्वालिटी अच्छी यहाँ पे आपको मिलेगी। टायर्स की जो लुक है वो काफ़ी रगड़ है, तो मतलब उबड़ खाबड़ रस्ते या ऐसे कहीं भी चलाते हो तो आपको एक बेटर ग्रिप मिलेगी इसमें। अब ये साइड से जैसे ही नोटिस करोगे तो आपका पहले तो ये पीछे वाले पैसेंजर का आपका फुटपैक आ जाता है, लेडीज़ का यहाँ पे फुटरेस्ट दिया है। देन अच्छी बात पता है क्या है, इसका जो ये ड्राइव चेन ये पूरा ये पार्ट है ये कवर्ड है, ठीक है। धूल मिट्टी की वजह से या साफ रखना उसको बार बार, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी, ये कवर किया है, तो ये एक और चीज़ अच्छी हो जाती है। एक कमाल का सेफ्टी फीचर यहाँ पे दिया है इस बाइक में, जब तक आपका साइड स्टैंड लगा है और आपकी बाइक गियर में है तो ये स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, न्यूट्रल पे स्टार्ट करते हैं पहले, तो इसको यहाँ पे इसको कर लेते हैं न्यूट्रल। ये देखो ये स्टार्ट तो हो गई, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको गियर में डालूंगा ये देखो बंद हो जाती है, तो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर दिया है। सो काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी इसमें आते हैं, आपको 4 से 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं शाइन में, और देखने के हिसाब से भी देख सकते हो। सीट की अगर मैं बात करूँ, कम्फर्टेबल सीट है, ठीक है। जो इसका एक सिंगल सीट है, सिंगल सीट होने का फ़ायदा यही हो जाता है कि 2 पैसेंजर आराम से कंफर्टेबली इस पर ट्रैवल कर सकते हैं, और आप देख सकते हो वो पूरा फ्यूल टैंक में मर्ज हो जाता है, तो ये एक और चीज़ सही है, ठीक है। 168 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इस बाइक में। सो ओवरऑल अगर देखते हो, एक सिंपल सोबर लुकिंग बाइक है यहाँ पे, जो कि फीचर्स आपको यहाँ पे डिसेंट इनफ मिल जाता है इस बाइक में। अब भाई बात करते हैं इसके हैंडल के बारे में, ठीक है। अब हैंडल अगर आप देखते हो वो आपकी तरफ है, ठीक है, तो एक चीज़ अच्छी है, ग्लॉस ब्लैक दिया है यहाँ पे पूरे इसमें। साइड मिरर्स की अगर बात करूँ, इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, एकदम कट्स और ये सब से जो मतलब दिखने में वो अच्छा लग रहा है, एकदम सिंपल, वो ऐसा गोल वाला नहीं है, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये जो क्लच है, ये आपका जो फ्रंट ब्रेक हो जाता है, इनकी क्वालिटी अच्छी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है अगर इनकी क्वालिटी के हिसाब से। इवन ये जो रबर ग्रिप है,
इनकी भी क्वालिटी अच्छी है, तो होंडा इस चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा यहाँ पे। एंड ऑल्सो ये आपका हाई बीम एंड लो बीम के लिए है, यहाँ पे आपके टर्न इंडिकेटर आ जाते हैं इस तरफ, ये इसका हॉर्न है, और यहाँ पे आप देखते हो तो आपको स्टार्ट बटन मिल जाता है इसमें, जो आपका सेल्फ स्टार्ट आ जाता है। किक भी आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी आती है। इसके इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे जो क्लस्टर दिया है तो बिल्कुल सिंपल और सोबर दिया है। यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर आ जाता है, कितने किलोमीटर्स चल गए वो यहाँ पे आ जाएगा, आपका फ्यूल गेज यहाँ पर आ जाता है, न्यूट्रल अगर यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे चेक इंजन लाइट, टर्न इंडिकेटर और हाई बीम एंड लो बीम के लिए आपको मिलेगा, एकदम सिंपल है। यहाँ पे होंडा का लोगो आपको मिल जाता है। अगर मैं इसमें लाइट अगर मैं चालू करके दिखाऊँ आपको, तो मुझे इसको न्यूट्रल में डालना पड़ेगा। ये देखो, ये कुछ इसकी लाइट है जो आपको हैलोजन में मिल जाती है, ठीक है। तो आप सुनते हैं इसकी आवाज़, ये देखो, सो यस, ये था पूरा इसका जो एग्जॉस्ट नोट है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो इस बाइक का ओवरऑल वेट है वो 100 केजी के नीचे है, तो ये काफ़ी सही है कि लाइट वेट है, आराम से मनूवर कर सकते हो इसको वगैरह, वो सारी चीज़ें। प्राइसिंग मैं आपको बता चुका हूँ, जो प्राइसिंग इसकी रखी है एक शोरूम मुंबई, वो है 64,900 रुपीज़। तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में ये प्राइसिंग आपको कैसी लगती है। सो भाई, ये था पूरा इन डेप्थ डिटेल दी ऑल न्यू 100cc शाइन के बारे में। अब हो गई बहुत बातें, अब इसको चला के देखते हैं और क्या कुछ मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ है, मैं जैसे ही बाइक पर बैठा, मेरी हाइट 5'8" है, आप उसका रेफरेंस ले सकते हो, और मेरे पैर है ना प्रॉपरली पूरे के पूरे पैर टच हो रहे हैं नीचे, तो मतलब एज सच कोई अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा कि एक साइड मुझे झुकाना पड़ रहा है सपोर्ट के लिए वगैरह, तो उस मामले में सही है जो सीट की हाइट है उस हिसाब से जो यहाँ पे रखी है, और सही है यार। अब इसको करते हैं चालू और निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। ऑल्सो, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था शायद वॉक अराउंड में, इसमें 4-speed गेयरबॉक्स आपको दिया है, ठीक है, जो आपको मिल जाता है। सो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक पे कंफर्ट के बारे में, तो इसकी जो सीट है वो मुझे थोड़ी ऑन द सॉफ्टर साइड लगी, तो उसका एक बेनिफिट ये है कि सारे जो गड्ढे जो महसूस होंगे, जो अब जो भी आएंगे वो आपको एज सच महसूस नहीं होंगे, बट कुछ कुछ लोगों को ज़्यादा सॉफ्ट सीट इतनी ये भी नहीं होती, तो वो पूरा पूरा आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। बट जो पॉट होल्स होते हैं या अचानक से ब्रेकर भी आता है, तो उस मामले में एज सच आपको कोई ये दिक्कत होने नहीं देगी, समझ लो। सस्पेंशन भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो ट्विन स्पोक आपको पीछे दिए हैं, प्लस आपको आगे टेलीस्कोपिक मिल जाता है, तो ये एक चीज़ है। और अगर मैं हैंडल की बात करूँ तो हैंडल भी काफ़ी सही पोजिशनड है, बिल्कुल भी ऐसा टायर्ड फील नहीं होगा कि मतलब कुछ आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस हो रहा है या आपको ऐसा हाथ खींच रहा है वगैरह, समझ रहे हो आप। देन उसके बाद अगर बात की जाए इसमें विजिबिलिटी की, तो यार ORVM से अच्छा एंगल मिल रहा है पीछे का, अगर आप देखते हो तो इसमें अच्छा एंगल मिल रहा है, बिकॉज़ ये जो शार्प ऐसा डिज़ाइन दिया है उस वजह से। अब हैंडलिंग की बात करते हैं, तो यार हैंडलिंग में तो काफ़ी सही है मनूवर करने में, एज सच कोई ये नहीं है, अपना आराम से टर्न हो जाती है, लाइट वेट है, मैंने बताया 100 kg के अंदर है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि एक साइड पे वजन जा रहा है जब आप खड़ी बाइक मोड़ते हो, समझ रहे हो, तो उस हिसाब से सही है। गड्ढे देखो, आराम से वो एब्जॉर्ब कर रहा है जो इसका सस्पेंशन है, या फिर सीट जो कंफर्टेबल है जो ऑन द सॉफ्टर साइड है उस हिसाब से। यार पिकअप भी सही है, मतलब सेकेंड गियर या थर्ड गियर में भी अच्छा पिकअप आ रहा है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो पिकअप का एक चीज़ है कि इनिशियली आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि पावर की कोई कमी है, ये देखो, समझ रहे हो। तो मतलब आवाज़ हालांकि थोड़ी ज़्यादा है, एकदम से ज़्यादा आवाज़ आ जाती है इसके इंजन से, बट जो पिकअप आता है वो आपको कमी महसूस होगी नहीं यहाँ पे। एक चीज़ है मुझे जो हाईलाइट करनी थी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग, कि भैया हाई स्पीड पे है ना जो वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, वो आपके जो फुटपैक है नीचे और जो आपका ब्रेक पैडल है उसमें आपको फील होंगे वाइब्रेशंस हाई स्पीड में, ठीक है। थोड़े वाइब्रेशंस हैं यहाँ पे जो कम हो सकते थे, मैं काफ़ी चला चुका हूँ इसको सुबह से, इसीलिए मैं आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और मतलब टर्न्स पे भी स्टेबल है, ये देखो, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मतलब पतले टायर्स हैं तो स्टेबल नहीं है वगैरह, स्टेबल तो है यार,
उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग करके देखते हैं यहाँ पे क्या है ब्रेकिंग का हिसाब। तो स्पीड इसकी पकड़ते हैं थोड़ा, ये देखो आवाज़ देखो कितनी है। अब हायर गियर में डाला है ये, यहाँ पे 60 की स्पीड ली है। अब ब्रेकिंग करते हैं इसकी, तो यार ब्रेकिंग तो सही है, मतलब ब्रेकिंग अच्छी है, मतलब जो ऐसा लग नहीं रहा है कि डिस्क ब्रेक की कमी है वगैरह, आप समझ रहे हो। ड्रम ब्रेक भी बहुत सही तरीके से काम कर रहा है, ब्रेकिंग विद इन नो टाइम 60 से अपन आपने खुद ने देखा हम कितने टाइम में जीरो पे आ गए, तो ये भी सही है। एक चीज़ है, सुबह मैं नोटिस कर रहा था कि ये जो हॉर्न है ना इसका भाई, ये जो सिंगल हॉर्न दिया है अगर ये डबल कर दे तो ज़्यादा बेटर होता, बिकॉज एक अच्छे खासे ट्रैफिक में ये इतना कुछ नोटिस नहीं होने वाला किसी को। तो एक चीज़ है कि थोड़ा हॉर्न और लाउडर हो जाता, वो भी एक पॉइंट है। अदर देन दैट वाइब्रेशंस का तो मैं बता ही चुका हूँ। कंफर्ट अच्छा है, एर्गोनॉमिक्स और विजिबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं। हैंडलिंग भी मतलब ऐसा लाइट वेट है ना, तो मनूवर के लिए ईजी फील हो रही है, बिल्कुल कोई ये दिक्कत नहीं। राइड क्वालिटी में सही बता रहा हूँ यार, हैंडलिंग में तो सही है यार ये, मतलब भगाने भगाने में भी एकदम कोई ये नहीं। ये देखो आराम से अपना टर्न वन पे भी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक टर्न है वहाँ पे देखते हैं इसको, मेरी कुछ स्पीड 60 है यहाँ पे। मतलब ब्रेक का भी रिस्पांस अच्छा है कि मतलब एकदम से सामने कोई आए, और सही है यार मतलब स्टेबिलिटी तो। ये देखो 65, अगर आपका देखो डेली रनिंग है अच्छा खासा, तो जो राइवल इसके हैं स्प्लेंडर जैसे वगैरह, तो आप एक बार इसके बारे में भी सोच सकते हो, बिकॉज 100cc एक नया इंजन, वो सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो डेली कम्यूट के हिसाब से सही है। जो टारगेट कस्टमर है रूरल के हिसाब से, अगर डेली रनिंग आपका ज़्यादा हो रहा है तो यार सोच सकते हो, बिकॉज बेस्ट इन सेगमेंट कहीं ना कहीं कंपनी क्लेम कर रही है जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है। जो ऑफिशियल नंबर्स होंगे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ लेना, अभी तक तो कोई ऑफिशियल नंबर्स एज सच पता नहीं है। सो माइलेज का माइलेज, और एकदम लाइट वेट बाइक, आपको एकदम आराम से चला सकते हो और कंफर्टेबल भी है, समझ रहे हो। सो यही था पूरा मेरा इसका वॉक अराउंड और मेरे ड्राइव इंप्रेशन इसके बारे में। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, कुछ भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना। सो भाई मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।